हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो जाइए फटाफट से वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती रहे, उसमें आपकी भी थोड़ी सी भागीदारी जरूर हो। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से आपको मेरा अकाउंट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। अब चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। देखिए, आप सब लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि कैमरे से फ्रेंडली कैसे हो, कैमरे से दोस्ती कैसे करें और कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोले, वो कॉन्फिडेंस कैसे लाए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में ये भी सवाल किया था कि आप जैसे बोलती हैं, जैसे वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं, उस तरह से कैमरे के सामने एक फ्लो में हम कैसे बोलें और क्या कुछ उसके लिए आपको करना है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं देने वाली हूं चार ऐसे टिप्स जो आपको बहुत मदद करेंगे कैमरे से फ्रेंडली होने में और कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलने में। देखिए, पहला जो टिप है वो ये है कि आपको कैमरे से दोस्ती करनी है, यानी कि आपको कैमरा फ्रेंडली बनना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप अपने कैमरे से प्यार कीजिए। देखिए, जैसे मास कम्युनिकेशन मैंने किया है, बीजेएमसी कोर्स किया है, इस कोर्स में मुझे ये बताया गया था कि कैमरे के सामने कैसे बोले। बहुत सारे लोग कैमरे से डरते हैं, मेरे जानने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब कैमरा नहीं होता तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने कैमरा लगाया जाता है तो उनके हक्के बक्के उड़ जाते हैं और सारी नॉलेज और सारी उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो बिल्कुल गुम हो जाती है, जस्ट बिकॉज वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है। तो आपको अपने कैमरे से दोस्ती करनी है। आप घर पर रहते हैं तो उसके लिए आप कैमरे के साथ वक्त बिताएं इन द सेंस कैमरे को शूट करें कैमरे पर और देखें कि आप कितना अच्छा कैमरे पर परफॉर्म कर पाएंगे। और दूसरा टिप ये है कि आपको अपने आप से प्यार करना है। जी हाँ, अपने आप से प्यार करने का मतलब है लव योर सेल्फ ऑन कैमरा। आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप अगर अपने आप को, आप वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपना वीडियो देखते होंगे, अगर आप उस वीडियो में अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, आप कैसे लग रहे हैं, आप किस तरह से कैमरे पर देख रहे हैं, अगर आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर आप कभी भी कैमरे पर अच्छे से शूट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अपने आप से प्यार कीजिए, इस तरह से तैयार होइए आप कैमरे के सामने, जिस तरह से आपको पता, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कैमरे पर किस तरह से अच्छे लगते हो, कौन सा आपका एंगल अच्छा है, आप किस तरह से, आपकी कमी क्या है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो अपने आप से कैमरे पर प्यार करना सीखिए, अपने आप को कैमरे में देखने की आदत डालिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे ना तब तक आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। और तीसरा पॉइंट है, आपको अपने दिमाग से जो निकालना होगा वो है कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मैं ऐसे दिखूंगी, मैं ऐसा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं कैमरे पर अच्छी नहीं लगती, ऐसा है वैसा है। इन सारी बातों को दरकिनार कर दीजिए, आप कैमरे पर शूट कीजिए, आप अच्छे लगेंगे, आप देखिए कि आप किस तरह से अच्छे लग रहे हो। लोगों की चिंता मत कीजिए, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ उठाइए, कैमरे पर रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि आप जब एंकर बनेंगे, आप टीवी पर आएंगे तो आपको कैमरे के सामने ही हमेशा रहना है और कैमरे के सामने ही आपको काम करना है। तो इस वजह से कैमरे के साथ पहला पॉइंट फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है और लोग क्या कहेंगे बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। और चौथा और आखिरी पॉइंट जो है वो आपको बताती हूं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन तीनों से ज्यादा, वो है प्रैक्टिस करना। आप कैमरे से प्यार तभी कर पाएंगे जब आप कैमरे पर प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आप को तभी पसंद कर पाएंगे कैमरे पर जब आप कैमरे पर प्रैक्टिस करेंगे, और लोग क्या कहेंगे ये आपके दिमाग से तभी निकल पाएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और ये सब कुछ आपके पास प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो कैमरे पर ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्फिडेंस अपने अंदर गेन कीजिए, क्योंकि अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर एक्टर ही क्यों नहीं बनना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना जरूर आना चाहिए, क्योंकि आज का जो टाइम है ये बहुत ज्यादा मतलब बदल चुका है। कैमरा आपको कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर फेस करना पड़ेगा, और खासतौर पर अगर आप इस फील्ड में हैं फिर तो कभी ना कभी नहीं, आपको रोज फेस करना पड़ेगा। तो अपने आप को रेडी रखिए कैमरे के सामने आने से। अगर आप ऑडिशन देने जाएंगे, जब आप न्यूज चैनल्स में एंकर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, कैमरा आपके साथ चलेगा हर वक्त, तो फिर आपको ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो इन चार बातों का ध्यान रखिएगा और कैमरे के सामने खूब मजबूती के साथ बोलिएगा। एक और टिप आपको देना चाहूंगी लास्ट में, कि आप जो भी काम करें कैमरे पर, अगर आप फ्रेशर हैं, उसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में जरूर दिखाएं। देखिए, वो लोग ऐसे होते हैं जो आपको जानते हैं,
आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, तो वो आपको जज कर पाएंगे और बता पाएंगे कि आप यहाँ पर कम कॉन्फिडेंट लग रहे हो, यहाँ पर ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हो। आपकी कमियां सामने आएंगी जिसके बाद आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए और खुद एनालिसिस कीजिए अपना कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं और अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए। बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।